राजधानी रायपुर में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। दरअसल कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने बयान में कहा कि संगठन और सरकार मिलकर जो तय करते हैं उसी तरह काम करते हैं और निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। आगे चल करके बहुत सारे नियुक्तियां होने हैं, निगम मंडल का भी होना है, फिर जो भी प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय लेना होगा वो भी चुनाव आचार संहिता के बाद लिए जाएंगे। वहीं इसी क्रम में रायबरेली में कांग्रेस के नेताओं की चुनावी तैयारियों को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के सब लोग मौसमी नेता हैं, ये सब मौसम की तरह टरटराते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के रूटीन में 12 महीने काम चलते हैं, चुनाव हो तो भी ना हो तो भी हम सब संगठन से जुड़कर लगातार जन सरोकारों से संबंधित कामों को करते रहते हैं। मौसमी नेता हैं सब, मौसम के अनुसार जो है ये लोग टरटराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो रूटीन में 12 महीना काम चलते रहता है, चुनाव हो तो चुनाव ना हो तो हम सब संगठन से जुड़ करके लगातार जन सरोकार से संबंधित कामों को हम करते रहते हैं और संगठन के विस्तार के लिए हम अपना योगदान देते रहते हैं। शराब टेंडर और राहता खोले जाने को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उनके बिछाए जाल में हम फंस जाएं, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। शराब के टेंडर का एक तय समय सीमा है, कांग्रेस वाले तो यही चाहते हैं कि नियम विरुद्ध कार्य हो और वो कोर्ट से स्टे ले आए, लेकिन हमारी सरकार नियम से ही काम करेगी। अब ऐसा है, कांग्रेस चाहती है कि उनके बिछाए हुए जाल में हम फंस जाए, तो हम फंसने वाले नहीं है। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो अभी आवंटित हुए हैं शराब के दुकानें या जो ठेकेदार, उनके कुछ कंडीशन है। अब उनका एक पीरियड है, एक जो समय दिया हुआ है कि समय तक उनका पूरा हो रहा है टर्म्स जो है, उसके पहले करेंगे तो स्टे ले लेंगे। ये तो कांग्रेस वाले ही चाहते हैं, उसको छेड़छाड़ करें वो लोग स्टे लेकर के फिर जो है साल दो साल चलाएं, तो ये सब ऐसा नहीं करने वाले। हम नियम के तहत पूरा प्रक्रिया का पालन करते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए हमारी सरकार उचित समय पे उचित निर्णय लेगी।